हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टिज गुड लाइफ। सो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगी। कुछ हेल्थ इश्यूज था जो मैं लाइफ अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। गाइस, आपने थंबनेल से देखकर आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो किस टॉपिक पे है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सृष्टि है और मैं ऐसे फैशन रिलेटेड कंटेंट्स या फिर हॉल वीडियोस जो कि नॉन स्पॉन्सर्ड होती है वो बनाती रहती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अगर अभी तक मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाइए उसे देखिए, क्योंकि उसमें भी जो कुर्तीज मैंने शेयर की है वो एकदम प्योर कॉटन में है और बहुत ही अच्छे मटेरियल में है, जो मुझे बेस्ट लगी। सो मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगी आपको, अगर आपको पसंद आती तो आप लीजिए। मेरी फर्स्ट परचेज जो है वो है ये ब्यूटिफुल येलो प्योर कॉटन कुर्ता, विच इज फ्रॉम द ब्रांड लिवाज। ये मैंने मिंत्रा से ली थी और ये जो बगल में क्लिप देख रहे हो आप उसमें देख सकते हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट कट में मिलेगी आपको ये कुर्ती। इसकी नेक पे आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह की लेस की डिटेलिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये कुर्ती आपको प्योर कॉटन में मिल जाएगी, इसकी 3/4 स्लीव है और इसके स्लीव के एंड में भी आपको इस कुछ इस तरह की लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी, जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। सो गाइस, मेरी जो सेकेंड परचेज है वो है ये ग्रे कलर टॉप फ्रॉम द ब्रांड मैक्स। बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट सी कॉटन की मटेरियल है, आप देख सकते हो कुछ ग्रे कलर में इसकी फिनिशिंग आएगी। और ये टॉप को आप इजीली कहीं भी ऑफिस या फिर छोटी मोटी गेट टुगेदर है फ्रेंड्स के साथ, या फिर अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप इसे वेयर कर सकते हो। टॉप के साथ आप व्हाइट कलर की केपरी पेयर कर सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखेगी। और आप इसके साथ एक छोटी सी झुमकी एड कर सकते हो, जो आपके इस लुक को और भी ज्यादा इन्हांस कर देगी। टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, ये कुछ अलग सा ही पैटर्न है इस टॉप का, आप देख सकते हो। आगे में आपको बहुत ही ज्यादा फ्लेयर्स मिल जाएगी, बहुत चूनट मिलेगी आपको इस जगह पे। और ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे आपको ये रफल डिटेलिंग मिलेगी, रफल वेल स्लीव्स मिल जाएगा। और ये बीच में आपको ये ग्रे कलर की लेस की डिटेलिंग वर्क मिलेगी, जो कि सेम बैक में आपको मिल जाएगी। ये जो स्लीव्स में आपको मिली थी ना, वो सेम आपको बैक में मिल जाएगी और दोनों साइड में आपको ये चून मिलेगी। साइज की बात की जाए तो गो फॉर वन स्मॉलर साइज। अगर आपको एक्सल होती है तो आप प्लीज लार्ज के लिए जाओ, और अगर आपको लार्ज होती है तो आप मीडियम के लिए जाना, क्योंकि ये थोड़ी सी लूज टाइप की पैटर्न में मिलेगी आपको। बहुत ज्यादा मुझे, जैसे एक्सल साइज होती है तो मैंने इसे एक्सल में लिया था, बट मुझे ये फिर भी बहुत ज्यादा लूज आई है और मुझे एक साइज बड़ी मिल गई है ये। मैंने इसे एक्सचेंज नहीं किया क्योंकि मुझे ये प्रेगनेंसी के टाइम पे पहनना था, और अभी मेरी 8 मंथ चल रही है तो मुझे ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैं इसे इजिली पहन के कंफर्ट होकर घूम सकती हूँ, हॉस्पिटल्स जा सकती हूँ या फिर आसपास कहीं मुझे जाना है तो मैं इसे वेयर करके जाती हूँ, और बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में मुझे फील होता है इस ड्रेस को पहनने पे। ये छोटा सा क्लिप देख रहे हो, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो वीडियोज के रिगार्डिंग तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। सो गाइज, मेरी थर्ड परचेज है ये ग्रीन एंड ब्लू कलर में नायो ब्रांड की कुर्ती, जो कि एक कॉटन मटेरियल है, और इसकी स्लीव्स की वजह से मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारा लगा। टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस कुर्ता, ये आपको मिलेगी बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न में, और इसकी फिटिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है गाइज। अगर आपको साइज एल होता है आप एल ही लेना। अगर आप इसे वॉश कर रहे हो तब भी ये श्रिंक नहीं होगी, हालांकि ये कॉटन है बट श्रिंक कहीं से भी नहीं हुई है। मैंने इसे 2 बार वॉश करा है और कलर भी कहीं से भी नहीं जा रही है। सो मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा पहनने के बाद भी, और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। और स्पेशली इसकी फिट की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छे से आपके फिगर पे फिट हो जाएगी, और ये बहुत अच्छे से इनहेंस होकर आएगी इसकी लुक। जो भी प्राइस है मैं वो आपसे शेयर कर दे रही हूँ, और अगर आपको इससे अच्छी प्राइस में मिल रही है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, और अगर आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिल रही है तो बेटर होगा कि आप रुकिए और कुछ दिन वेट कीजिए। सेल आती रहती है मिंत्रा पे, कुछ अच्छी सेल में कुछ सेम डिस्काउंट मिले या फिर प्राइस ऊपर नीचे है और अच्छे रेट्स मिले तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे ले सकते हो। तब तक के लिए आप उसे अपने बैग में डालकर रख सकते हो। और मेरे हिसाब से जितनी भी कुर्तीज मैंने आपको दिखाई, आई थिंक वो ठीक है, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव लेकर कोई फायदा नहीं है, सो यू शुड वेट। लास्ट वाली कुर्ती की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो गो एंड चेक इट आउट, एंड उसे देखने के बाद फिर आप ये वीडियो पे आ सकते हो। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।